आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज़ चैनल, मैं हूं आपके साथ में है। 25 मई से एमपी में नौतपा की शुरुआत हो रही है। नौतपा का मतलब होता है कि 9 दिनों तक धरती खूब तपेगी। इस दौरान प्रदेश में तापमान बढ़ जाता है और भीषण गर्मी पड़ती है। वहीं मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार इस बार नौतपा के दौरान प्री मानसून बारिश के आसार बन रहे हैं। प्रदेश में 22 मई के बाद प्री मानसून गतिविधियां जो है वो शुरू होने के संकेत मिल रहे हैं। ऐसे में प्रदेश में कई जगहों पर बारिश की संभावना है। वहीं बादलों के कारण अधिकतम तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। भोपाल मौसम विज्ञान केंद्र के विज्ञानियों के अनुसार 22 और 23 मई को एक द्रोणिका बनने की संभावना है और इसका विस्तार जो है वो राजस्थान से उत्तरी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के कुछ हिस्सों तक रहेगा और इसके प्रभाव से पूर्वी मध्य प्रदेश में 22 से 23 मई के आसपास गरज चमक और तेज आंधी के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार यहां से प्री मानसून शुरू होकर धीरे धीरे 25 से 26 मई तक पूरे प्रदेश में फैल जाएगा। साथ ही प्रदेश के कई हिस्सों में बूंदाबांदी होगी और इससे साफ है कि इस बार प्रदेश में नौतपा के दौरान बारिश होगी। मौसम विभाग के 23 मई से पश्चिम मध्य प्रदेश में भी मौसम में बदलाव की संभावना है। तो ये था अब तक का अपडेट। लगातार हर अपडेट के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।